नमस्कार, बीसीएन न्यूज के खबरें सुपर फास्ट में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र खारिज करने की बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही नवनीत कौर राणा की याचिका पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को नोटिस भी जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के स्थानिक स्वराज संस्था में ओबीसी आरक्षण रद्द के निर्णय के बाद अब आगामी होने वाली सभी स्थानिक स्वराज संस्था के चुनाव स्थगित करने की मांग उठ रही है। पहले मंत्री विजय वडेट्टीवार और अब नागपुर मनपा की आम सभा में ये प्रस्ताव पारित किया गया। खापरखेड़ा क्षेत्र की आशा वर्कर व गट प्रवर्तक इन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिचोली में 2 दिवसीय धरना आंदोलन किया। ग्रामीण एवं शहरी भागों में काम करने वाली आशा वर्कर व गट प्रवर्तक इनकी प्रलंबित मांग पूरी करने के लिए आशा वर्कर व गट प्रवर्तक महिलाओं ने बेमुदत काम बंद अनशन जारी किया। शहर के साइबर सेल अंतर्गत 6,82,000 की साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फिरियादी को उसकी पूरी रकम वापस दिलाने में यश प्राप्त। मेरी ओर से मागा स्वर्गीय आयोग को कोई बैठक नहीं बुलाई गई, न ही मेरे कार्यालय की ओर से कोई पत्र दिया गया। आयोग की बैठक से जुड़ी खबरें गलत है और गलत जानकारी के आधार पर खबरें सामने आई है, ऐसा वक्तव्य मदद एवं पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने। शहर के अंबाजरी स्थित मनपा की ओर से तैयार किया गया डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भवन को राज्य सरकार की ओर से तोड़ा गया। इसका विरोध सभी ओर से किया जा रहा है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी की ओर से निवेदन सौंपा गया। महानगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों के लंबित प्रस्ताव पर शीघ्र फैसला करने का निर्देश देते हुए पालक मंत्री नितिन राउत ने भविष्य में सार्वजनिक उपक्रमों को आय स्त्रोत्र बनाने को कहा। वे मनपा क्षेत्र के तहत हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान बोल रहे थे। सोमवार को सामने आए तहसील पुलिस थाना अंतर्गत हत्याकांड से जहां शहर अभी उभरा ही नहीं था, वहीं मंगलवार को कोतवाली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले शिवाजी नगर में अनैतिक संबंध के चलते हत्या करने का एक और मामला सामने आया है। हिंगन घाट से सोमवार को पक्ष परिवर्तन करके शिव बंधन में गए उपनगराध्यक्ष चंदू घुसे का युवा परिवर्तन की आवाज संगठन द्वारा निषेध किया गया। संगठन का कहना है कि घुसे ने सत्ता की रोटी सेकने के लिए पक्ष परिवर्तन किया। सोमवार को तहसील में हुए हत्याकांड पर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि यह घटना अनैतिक संबंध के चलते घटित होने की प्राथमिक जानकारी मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं, जिसके चलते अंदेशा जताया जा रहा है। बीसीएन न्यूज के खबरें सुपर फास्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।